हेलो दोस्तों, मैं हूं एनआईए का बीएमएस का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करूंगा सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है और मॉपअप राउंड में जो है कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। ओके दोस्तों, तो वीडियो जो है वो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए आज जो है ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो जैसे आप लोगों को सबको ही पता है कि जो सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई है, जबकि अभी तक जो है सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है वो डिक्रीज ही होती है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सेकंड राउंड में कट ऑफ है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज, कोर्स वाइज, मार्क्स एंड रैंक के हिसाब से पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ है वो क्या डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, वीडियो को एंड तक बने रहे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि राउंड टू की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि राउंड टू की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, कोटा वाइज, कोर्स वाइज, रैंक एंड मार्क्स के बेसिस पे पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बीएमएस कोर्स की कि बीएमएस कोर्स की जो है राउंड टू में कितनी कट ऑफ गई है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से वो गई है 542, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो 541 थी, मतलब यहाँ पर एक नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके दोस्तों, एडिट कोटा से जो कट ऑफ गई है वो 538 और फर्स्ट राउंड में भी यही कट ऑफ थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की कट ऑफ गई है 602, जबकि फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ थी 598, मतलब यहाँ पर भी चार नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की जो कट ऑफ गई है 602, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो 591 थी, मतलब यहाँ पर भी प्लस 11 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ओके दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर, इसकी कट ऑफ गई है 603, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो थी 595, मतलब यहाँ पर भी 8 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की जो कट ऑफ गई है सेकेंड राउंड में वो गई है 572, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो 567 थी, मतलब यहाँ पर भी प्लस जो 5 नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है राउंड टू में। तो यहाँ से देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की कट ऑफ गई है 601, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की कट ऑफ गई है 593, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर की गई है 603, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की कट ऑफ गई है 557। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी की, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है राउंड टू में। तो यहाँ से देख सकते हो ओबीसी की कट ऑफ की कितनी गई है राउंड टू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की कट ऑफ गई है 600, जबकि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थी 589, मतलब 11 नंबर जो है यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ गई है 598, जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 585, मतलब यहाँ पर भी 13 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर, इसकी कट ऑफ गई है राउंड टू में 598, जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 587, मतलब 11 नंबर यहाँ पर भी जो है वो इंक्रीज हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो सेकेंड राउंड की कट ऑफ गई है 555, जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 552, मतलब यहाँ पर भी 3 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो जो कट ऑफ है वो सेकेंड राउंड की इंक्रीज हुई है फर्स्ट राउंड की तुलना में, और ऐसा जो है वो पहली बार हुआ है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी की, कि एससी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है राउंड टू में। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो एससी कैटेगरी की कट ऑफ बीएमएस कोर्स की, तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से जो राउंड टू की कट ऑफ गई है वो गई है 425, जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 423, मतलब यहाँ पर भी 2 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ऑल इंडिया एडिट कोटा से बात करें तो इसकी गई है 423, जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 419, मतलब यानी कि 4 नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज हुए हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, इसकी कट ऑफ गई है सेकेंड राउंड की 470, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो 478 थी, मतलब 8 नंबर यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हुई है। तो ये
सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की कट ऑफ जो है वो एससी कैटेगरी की डिक्रीज हुई है 8 नंबर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर इसकी बात करें तो इसमें एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है सेकेंड राउंड की 504, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो 473 ही थी। मतलब यहाँ पर 31 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की कट ऑफ एससी कैटेगरी की। ओके दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर की बात करें तो 498, जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 486। मतलब यहाँ पर भी +12 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो 424, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो थी 428। मतलब 4 नंबर यहाँ पर भी डिक्रीज हुए। तो आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो रही है, कुछ ही है जिसमें जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुई है थोड़ी बहुत। ओके दोस्तों, ज़्यादातर जो है कट ऑफ इंक्रीज हुई है सेकेंड राउंड में। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो कितनी गई है राउंड 2 में। तो यहाँ से देख सकते हो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से कट ऑफ गई है 412, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी 415। मतलब 3 नंबर जो है वो डिक्रीज हुई है। ऑल इंडिया एडिट कोटा से बात करें तो 398, जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 404। मतलब 6 नंबर यहाँ पर भी डिक्रीज हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की कट ऑफ सेकेंड राउंड की 456, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो 454। मतलब 2 नंबर जो है यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर 444, फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी 447। मतलब 3 नंबर जो है यहाँ पर कम हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर इसकी कट ऑफ गई है सेकेंड राउंड की 476, जबकि फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी 462। मतलब 14 नंबर जो है यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो इसकी कट ऑफ गई है 412, और जबकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 418। मतलब यहाँ पर भी 6 नंबर जो है वो डिक्रीज हुए हैं। ओके दोस्तों, तो ज़्यादातर जो है कट ऑफ बड़ी है, कुछ ही हैं जिनमें थोड़ी बहुत हैं वो कम हुई है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स बीएचएमएस होम्योपैथी कोर्स, जिसकी होम्योपैथी कोर्स की जो है राउंड 2 में कितनी कट ऑफ गई है। ओके दोस्तों, तो बीएचएमएस कोर्स की राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। तो जनरल कैटेगरी की आप यहाँ से देख सकते हो, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से 492, एडिट कोटा से 497, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की गई है 533, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की गई है 528। ओके दोस्तों, तो ये थी जनरल की कट ऑफ बीएचएमएस कोर्स की। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है बीएचएमएस कोर्स में। यहाँ से देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की कट ऑफ गई है 525, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की कट ऑफ गई है 502। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की कट ऑफ गई है 520, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की कट ऑफ गई है 502। ओके दोस्तों, तो ये थी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। अब बात करते हैं एससी एंड एसटी की कट ऑफ कितनी गई है बीएचएमएस कोर्स में। ओके दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हो एससी एंड एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बीएचएमएस कोर्स में। तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी की सेकेंड राउंड में 382, एडिट कोटा से गई है 390, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की गई है 401, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की गई है 386। एसटी कैटेगरी की ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से गई है 251, एडिट कोटा से गई है 357, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की गई है 345, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की कट ऑफ गई है 353। ओके दोस्तों, तो ये थी बी ओके दोस्तों, तो ये है बीएसएमएस कोर्स, बीएसएमएस कोर्स। ओके दोस्तों, यानी कि सीधा वाला। तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से कट ऑफ गई है वो 502, एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 411, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 353। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर केवल गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा ही आ रहा है, और उसी की कट ऑफ मैंने बताई है। अब बात करते हैं यूनानी कोर्स यानी कि बीयूएमएस कोर्स की कट ऑफ जो है वो कितनी गई है राउंड 2 में। ओके दोस्तों, तो ये है बीयूएमएस कोर्स की कट ऑफ। तो यहाँ से जनरल कैटेगरी की देख सकते हो, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से कट ऑफ गई है 491, एडिट कोटा की गई है 534,
एसटी कैटेगरी की ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से गई है 356, एडिट कोटा से गई है 397, और एससी कैटेगरी के यहाँ से देख सकते हो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से गई है 386। ओके दोस्तों, तो ये पूरी आईएएस कोर्सेज की जो कट ऑफ थी, जो मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया रैंक एंड मार्क्स के बेसिस पे, और राउंड फर्स्ट की तुलना में राउंड टू में कितनी इंक्रीज हुई ये भी मैंने बताया। ओके दोस्तों, तो यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इसको शेयर करना। और यदि हमारे चैनल पर नए हो और मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो भी यहाँ तक ही। और आपके लिए एक और बात है कि मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप जो है बना रखा है, अगर आप भी मेरी पर्सनल गाइड में आना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, और आपको मैं जो है ग्रुप पे ऐड कर लूँगा, और आप भी मेरे जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक आप मेरी पर्सनल गाइड में रहोगे। ओके दोस्तों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो चॉइस फिलिंग ही होती है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है वो सब जो मैं है उसी ग्रुप में आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो मैं आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो यदि आप भी मेरे पर्सनल गाइड में आना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, और आपको मैं जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक मैं यहाँ पर आपको पर्सनल गाइड करूँगा। ओके दोस्तों, और आपको कैसे चॉइस फिल करना है वो सब कुछ जो है मैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे बताऊंगा। तो यदि आपको भी उस ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर देना, आपको फ्री जो है मैं गाइड करूँगा पूरी काउंसलिंग तक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो मॉपअप राउंड है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली, क्या उसकी कट ऑफ जो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, और मॉपअप राउंड के जो रूल हैं वो क्या क्या है। ओके दोस्तों, क्योंकि इस साल जो है मॉपअप राउंड्स के रूल चेंज हुए हैं, तो उन रूल्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना। ओके दोस्तों, तो यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहे।